नमस्कार किशन भाइयों, मैं हूँ राजेश। आप देख रहे हैं फार्मा हेल्पिंग चैनल। इस वीडियो में जो बात करने वाले इमिडा क्लोरोफिट 17.8% एसएल कंपोजिशन वाला जो दवाई रहता है कीटनाशक, इसका उपयोग करने के बाद कौन कौन से कीटों का आप नियंत्रित कर सकते हैं, इसका डोसेस कितना फसलों में छिड़काव करना है, इसके अलावा जैसे फसलों में कितना बार तक आप स्प्रे कर सकते हैं, दूसरा कोई कीटनाशक का साथ एक साथ मिक्स करके उपयोग कर सकते क्या नहीं कर सकते, इमिडा क्लोरोफिट जो 17.8% जो दवाई है इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप बात करने वाले। किशन भाइयों, जो मुख्य से इमिडा क्लोरोफिट कोई भी कंपनी का आप उपयोग कर सकते हैं, जैसे इफको कंपनी का, बायर्स कंपनी का, सिंजेंटा कंपनी का, एचडीएस रामसेट कंपनी का, इसके अलावा जैसे अनमोल कंपनी का, कोई भी कंपनी का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन कौन कौन से कीटों को नियंत्रित कर सकते हैं इसका उपयोग करने का ये जानने का जरूरत है। आपको दुकानदार के पास जानने का कोई भी जरूरत नहीं, इस वीडियो को देखने बाद आपको आसानी से पता चल जाएगा इमिडा क्लोरोफिट कौन कौन से कीटों को नियंत्रित करते हैं, इसका डोसेस कितना फसलों में छिड़काव का आपको आसानी से पता चल जाएगा। आप चैनल में नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। किशन भाइयों, इस वीडियो में जो बात करने वाले इमिडोर जो कंपोजिशन वाला जो दवाई है इमिडा क्लोरोफिट, इसके बारे में इमिडोर जो होता है कौन सा कंपनी का होता है, जो होता है क्रॉप केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का होता है, बेहतरीन काम करता है कीटों को नियंत्रित करने के लिए। आई बात करने वाले कौन कौन सा कीटों को आप नियंत्रित कर सकते हैं इमिडोर उपयोग करने के बाद, इसके बारे में बात करने वाले सफ़ेद मक्खी, थ्रिप्स, एपी जैसी, जैसे आपका कोई भी सब्जियों का खेती बारी में रात चूसने वाले कीटों का वजह से जैसे फसल खराब हो जाता है, इसलिए क्या करना है रात चूसने वाली कीटों के लिए क्या करना है, आप इमिडोर जरूर उपयोग करना, बेहतरीन काम करता है कीटों को नियंत्रित करने के लिए। इसके अलावा जैसे मिर्च और टमाटर का खेती बारी में क्या समस्या आता है, जैसे पत्ता उड़ने वाली बीमारी आती है जैसे व्हाइट फ्लाई थ्रिप्स इंसेक्ट का वजह से, टमाटर का खेती बारी में ज़्यादातर क्या समस्या होता है, जैसे सफ़ेद मक्खी का वजह से पत्ता उड़ने वाली बीमारी आता है, इसलिए क्या करना है आप इमिडोर जो कंपोजिशन वाला इमिडा क्लोरोफिट कंपोजिशन वाला दवाई है इसका उपयोग जरूर करना, बेहतरीन काम करता है जो सफेद मक्खी को नियंत्रित करने के लिए। इसके अलावा मिर्च का खेती बारी में क्या समस्या होता है, जैसे पत्ता मरने वाली बीमारी ज़्यादातर हर किसान का समस्या होता है, इसलिए क्या करना जो इमिडा क्लोरोफिट 17.8% एसएल कंपोजिशन वाला दवाई जरूर उपयोग करना, बेहतरीन कंट्रोल कर सकते हैं मिर्च का जो पत्ता मरने वाली बीमारी है उसको नियंत्रित करने। आई बात करने वाले क्रॉप केमिकल्स कंपनी का जो इमिडोर कंपोजिशन वाला दवाई है इसका मुख्य रूप से कौन कौन सा सब्जियों का खेती बारी में उपयोग कर सकते हैं इसके बारे में अभी बात करने वाले। मिर्च के खेती बारी में, टमाटर का खेती बारे में, प्याज का खेती बारे में, लहसुन का खेती बारी में, कीड़ा का खेती बारे में, केरला का खेती बारे में, इसके अलावा जैसे कारपास का खेती बारे में, धान का खेती बारे में इसका जरूर उपयोग कर सकते हैं, आपको कोई भी समस्या नहीं हो। जैसे पत्ता बनने वाली बीमारी जिस खेती बारे में आपको दिखाई दे, इसलिए क्या करना जो इमिडा क्लोरोफिट 17.8% एसएल कंपोजिशन दवाई आप उपयोग कर सकते हैं, आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। अभी बात करने वाले इमिडोर जो इमिडा क्लोरोफिट 17.8% एसएल कंपोजिशन दवाई है उसका डोसेज कितना फसलों में उपयोग करना है इसके बारे में बात करें। आप कोई भी सब्जी होगा खेती बारी में, जैसे मिर्च का खेती बारी में, टमाटर का खेती बारी में, आलू का खेती बारी में, भिंडी का खेती बारी में, इसके लिए इसका डोसेस लगभग आप 1 से 1.5 ml तक पर लीटर पानी में उपयोग कर सकते हैं, जैसे 100 ml 100 लीटर से जैसे 80 से 100 लीटर में भी उपयोग कर सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं होगा, बेहतरीन काम करते कीटों को नियंत्रित करने के लिए। पहला स्प्रे करने के बाद जो इमिडा क्लोरोफिट 17.8% एसएल कंपोजिशन दवाई है दूसरा स्प्रे लगभग 21 डेज के बाद आप दूसरा स्प्रे भी कर सकते हैं, लॉन्ग टाइम जो सब्जियों का खेती बारी होता है इसमें तीसरा स्प्रे भी कर सकते हैं। उसके साथ अब कोई भी कीटनाशक एक साथ मिक्स करके उपयोग करने का कोई भी जरूरत नहीं, लेकिन आप एक साथ मिक्स करके भी उपयोग कर सकते हैं, जैसे एसिटामारपीट एसीपी जो कंपोजिशन दवाई एक साथ मिक्स करके भी उपयोग कर सकते हैं, आपको कोई भी समस्या नहीं होगा। क्षण इस वीडियो में बात किया था इमिडोर जो कंपोजिशन वाला दवाई है इसके बारे में कौन कौन सा कीटों को आप नियंत्रित कर सकते हैं, इसका डोसेस कितना फसल में स्प्रे करना है, इमिडा क्लोरोफिट 17.8% उपयोग करने के बाद कौन कौन सा कीटों को नियंत्रित कर सकते हैं इसके बारे में इस वीडियो में बात किया था। इसके अलावा आपको इमिडा क्लोरोफिट 17.8% एसएन कमर्शियल दवाई के बारे में आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो वीडियो में कमेंट भी कर सकते हैं।